Hey guys, welcome back to our channel. आप देख रहे हैं Worshippers League और आज की वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ. इस वक्त मेरे साथ है मेरी प्यारी सी अम्मी, गॉड ब्लेस यू अम्मी, मेरी नाना है. और अभी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और अम्मी मेरे भाइयों के पास रहेंगी क्योंकि जो मेरे बड़े भाई हैं उनके सी आईज के एग्ज़ाम है और वो आउट ऑफ सिटी ट्रैवल नहीं कर सकते अभी, और इसी वजह से इस्तिस्ना भी उनके पास ही रहेगा. और लेकिन अभी हम जा रहे हैं और अम्मी उनके पास रहेंगी और अम्मी उनका ख्याल रखेंगी एज ऑलवेज, जैसे पहले वो करती आई. और देखें अब इस्तिस्ना भी ऊपर आ गए. हे इस्तिस्ना. हेलो एवरीवन. तो क्या प्लान है आज का? मैं भी कुछ, मेरा प्लान क्या है, हम लोग जाएंगे पहले एक शूट पे झेलम और वहाँ से हम लोग तमीनाबा जी के भाई की शादी पे चले जाएंगे और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी है और ये लोग शादी इंजॉय करेंगे. काफ़ी लंबा रास्ता है, 5-6 घंटे लग जाएंगे एटलीस्ट, बिकॉज हमने झेलम में रुकना है, वहाँ पे हम गीत की शूटिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे इस्लामाबाद में और वहाँ पे हम फिर तहमीनाबाद जी के पास रहेंगे 2 दिन के लिए. और फिर हम आज उनकी मेहंदी है तो कल बारात है और हम बारात के बाद शायद वापस आ जाएँ या फिर शायद ना आएँ. और उतनी देर मेरी नानो जो यहाँ पर हैं, अब इतनी क्यूट है, आपको लाना चाहिए, तो वो मेरे भाइयों के पास रहेंगी. और उतनी देर स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड. बाय. तो हम 12 बजे के नज़दीक झेलम के लिए निकले और मेरे साथ मेरा छोटा भाई था, मेरे पापा मामा थे, मेरे चाचू थे और हम इरफान भाई थे जो कि हमारे कैमरामैन हैं. और जाते जाते हमें 2-3 घंटे लग गए और हम जीटी रोड के थ्रू गए थे, लेकिन हम रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके और वहाँ पर हमने खाना खाया और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो सब ने बहुत मज़े से खाया. और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो हमें यहाँ पर देख रहा है और देख के खुश हो रहा है, इसके साथ इस्तिस्ना खेल रहा था और हम सबको बहुत मज़ा आया, स्पेशली बिकॉज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे. अभी हम झेलम में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी हम गीत की शूटिंग करेंगे. काफ़ी हवा चल रही है लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा है. और इसके बाद हम फिर आगे इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे और अभी तक बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है क्योंकि अभी एटलीस्ट 4 घंटे नहीं, हम 12 बजे निकले थे, अब 3 बज गए तो 3 घंटे हो गए हमें. और फिर हम रेडी हुए और शूटिंग के लिए निकल गए जो कि झेलम में सिटी हाउसिंग सोसाइटी में है. अभी हम सामने शूटिंग कर रहे हैं और यकीन माने बहुत मुश्किल है शूटिंग करने के लिए. और इससे पापा यहाँ पे झेलम में काम करते हैं इसलिए से हमारी सहूलत पुराने में आई है. हेलो. तो ये है हमारी शूटिंग लोकेशन. मामा का वहाँ पे सोलो टेक हो रहा है अभी और बहुत सारे लोग हमें घूर रहे थे जब हम कर रहे थे. कैमरा पर हमारे साथ थे इरफान भाई, इरफान जुगनू एंड दिस इज इस्तिस्ना एंड द अदर वन इज चाचू. तो गाइज अब हमने फाइनली अपना शूट ख़त्म कर लिया. आई लाइक टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी, अराउंड 900 पीपल हैव वॉच्ड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतने व्यूज़ मिलेंगे. आई थॉट 10-20 बहुत ज़्यादा होंगे और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने इतना बढ़ाया है. और अब नहमिया आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बहन इतनी फेमस है? फेमस अच्छा लग क्रॉस फिंगर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट फेमस. ओके, तो हम अराउंड 7 इस्लामाबाद के लिए निकले और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ढोल वाले ऑलरेडी आए हुए थे जैसे कि आप सब देख सकते हैं और सब तैयार हो रहे थे, हर जगह शोर मचा हुआ था लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि हम पहले बहुत थक गए थे लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हम फ़ौरन से रिफ़्रेश हो गए और आप देख सकते हैं कि सब बहुत अच्छे लग रहे थे. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये हुआ कि मेरा एक कॉन्टैक्ट लेंस घूम गया जिसकी वजह से मुझे अगले दिन यानी कि बारात वाले दिन दोबारा से जल्दी उठकर अपारा मार्केट जाना पड़ा और मैं पापा के साथ और अपने छोटे भाई के साथ अपारा मार्केट गई और वहाँ से मैंने अपने लिए अपना एक गुमा हुआ कॉन्टैक्ट लेंस ढूँढा. और उसके बाद फिर जब हम घर वापस पहुँचे तो हम रेडी होना शुरू हुए और बारात और निकाह एक ही दिन था तो मैं ब्राइड्समेड भी थी. तहमीनाबाद जी ने मुझे स्पेशली इस्लामाबाद से ब्राइड्समेड बनने के लिए भी बुलाया था एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट.
तो घर पहुंचते ही हम सब रेडी हुए और रेडी होने के बाद वही सब रस्में की गई जो कि हम यूजुअली करते आए हैं। और उसके बाद फिर हम चर्च के लिए निकले जहाँ पर निकाह था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे बहुत से नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिला, और क्योंकि बहुत थोड़े लोग इनवाइटेड थे तो हमने बहुत अच्छा टाइम इकट्ठे स्पेंड किया और खूब मज़ा किया। Hey guys, what's up? Hello. Please follow the SOPs. Oh my God! वाह, पहली वीडियो में देखा होगा मग्गो को। हेलो मग्गो। हेलो। और वो अभी भी केक ही मांग रही हैं। और ये किंजा हैं। हेलो। और ये मदीहा बाजी हैं। कैसा लगा आपको? मुझे हेलो गाइस, मुझे केक चाहिए। केक मुझे केक खाने घर का भी वाला का नाश्ता करके आए थे। अब मुझे भी अभी भूख लग गई है। मुझे केक खाने को ये लोग मुझे केक नहीं खिला रहे। अब खाना खाने का So I dressed up as the bridesmaid and here are some pictures. Even though हमने plan नहीं किया था वलीमा attend करने का, we were fully prepared. हमने फिर बहुत मज़े से वलीमा भी attend किया और जैसे ही वलीमा over हुआ हम वहाँ से निकल गए और फिर हम रात को 9 बजे लाहौर पहुँचे। And this is my final goodbye together with तहमीना तारिक जवेद।